इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सबसे बड़ी खबर सागर जिले से। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से करीब 5 महीने से चलता रहा वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं पूर्व भाजपा किसान नेता राजकुमार सिंह धनोरा का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राजकुमार सिंह धनोरा ने बताया कि मेरे ऊपर फर्जी FIR दर्ज कराई गई। FIR CO इसके प्रजापति द्वारा की गई है, जिसमें बताया गया है कि मेरे द्वारा 1,31,00,000 का गबन किया गया। यह सरासर झूठ है, मेरे पास सभी दस्तावेज उपस्थित है। राजकुमार सिंह धनोरा का कहना है कि मैं 2016 से 2022 तक सरपंच रहा हूं, जब मंत्री जी को क्यों नहीं दिखा कि भ्रष्टाचार हो रहा था। अब मंत्री जी ने मुझे पर इसलिए FIR करवाई कि क्योंकि मैंने उनके सारे काले कारनामे उजागर किए हैं जनता के सामने, इसलिए उन्हें वर्तमान CO के द्वारा मुझे झूठा आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाई है। मैंने इसके जांच के लिए न्यायालय जाऊंगा एवं शासन एवं मंत्री जी को पार्टी बनाऊंगा। और मंत्री जी ने CO के द्वारा मेरे ऊपर FIR कैसे करवा दी, यह कहना है राजकुमार सिंह धनोरा का। सागर से ब्यूरो चीफ आकाश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तक सरपंच रहा लगभग 6.5 साल 7 साल सरपंच रहा, जब तक मंत्री को कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखा। अब मंत्री को हमारी पंचायत में भ्रष्टाचार दिखा। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत की पूरे कामों के मेजरमेंट हैं, पूरे कामों की CC जारी हैं, बाकायदा ऑडिट है। और यह CC जारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राहतगढ़ एवं SDO जनपद पंचायत राहतगढ़ के वेरिफिकेशन के बाद CC जारी की जाती है, जबकि इस प्रकरण में रिपोर्ट करता ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, जो मंत्री के दबाव में उनको रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ी। अगर मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूं, तो आपकी द्वारा ही इन कार्यों का अवलोकन कर उनमें CC जारी की गई है। मेरे पास एक एक मेजरमेंट के पेज की कॉपी है, पावती है, CC की कॉपी है, ऑडिट की कॉपी है। मैं यह पूरा मामला माननीय न्यायालय में जाऊंगा और इसमें शासन को भी पार्टी बनाऊंगा और इसमें मंत्री को भी पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि मंत्री ने के पत्र के माध्यम से यह जांच की गई है। यह अगर माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने विधायक और मंत्री रहते हुए इतने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिसके मैंने जांच के लिए चाहे आप प्रतीक्षालय हों, चाहे गोविंद द्वार हों, गोविंद प्रतीक्षालय हों, टैंकर हों, इनमें बिलों से ही प्रमाणित होता है कि आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। 4 वर्ष में पूरी विधायक निधि से आपने गोविंद प्रतीक्षालय, गोविंद द्वार, टैंकर, जिसमें स्पष्ट लिखा है बिल में 920 के टायर, जबकि उनमें 916 के टायर डरे हुए हैं टैंकर में स्पष्ट लिखा है कि विथ पानी का इंजन स्टैंड सहित, जबकि एक भी टैंकर में स्टैंड नहीं बना हुआ है। कई प्रतीक्षालयों में 33,000 रुपए की सौर्य लाइट इस्टीमेट में संलग्न है, जबकि एक भी प्रतीक्षालय में सौर्य लाइट नहीं लगाई गई। आपने लगा 4 साल में पूरी विधायक निधि में 50% का कमीशन खाया है, भ्रष्टाचार किया है। वह भ्रष्टाचार की भी आप में अगर नैतिकता है तो आप जांच कराएं, सभी सामने आ जाएगा कि भ्रष्ट कौन है। आपने तो हम पे 1 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मैंने पूरी जांच एजेंसियों को आपके खिलाफ 1,000 करोड़ की संपत्ति के भ्रष्टाचार से बनाई गई संपत्ति के हमने प्रमाण सहित शिकायत की है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उस पर उचित जांच कर मंत्री और मंत्री के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।